यहाँ पे अभी इसे सुधार रहे हैं। इसमें हमने चीनी और नमक भी डाल दिया। चलिए खाने के लिए तैयार हो गई है जी। इंदु दीदी देखिए हमसे एक क्लास आ गई थी और मेरी फ्रेंड शांति। हेलो, चलिए भाई बहुत सालों के बाद दिखाई दिए। ये कह रही जल्दी से ऊपर आवल, तो चलिए पहले मैं ऊपर ही जाती हूँ। तो यहाँ पे ये मम्मी का लहसन और है, यहाँ पे दादी और है ना उनका घर है, जो दादी रहती है ना उनका घर है। ये लेंटर भी उन्हीं का है, तो हमने यहाँ पे लहसन रखा हुआ है। आधा लहसन हमने वहाँ रखा हुआ है ऊपर, और आधा लहसन हम अभी पल्ली साइड आधा उस साइड को है लहसन। तो ये हमारा ऊपर का घर हमारा है, नीचे का घर चाची का है, ताई और है ना ये वाली ताई, तो इनके घर पे हम यहाँ पे खाना बनाते हैं। यहाँ पे ना मैं दादी और के लेंटर में आ रखी थी, यहाँ पे ना बहुत अच्छा व्यूज़ आता है, इसलिए मैं ना दादी के लेंटर में आ रखी थी। तो मम्मी ने इनके लेंटर में लहसन रखा हुआ है, जो हमने कूड़े में रखा हुआ है ना लहसन, उनके हमने पत्ते नहीं निकाले क्योंकि जगह नहीं है सुखाने की, तो इसलिए हमने वहीं पे रख दिए। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं भैंसोड़ा गाँव वाले और खाना बना रहे हैं। दादाजी बने पंडित आज खाना बनाने के लिए, सब बैठे हैं। भाई जी नमस्ते। वे भाई जी, दादा और बॉडा और पापा जी। तो यहाँ पे हमारी लगी है रसोड़ी और दाल भात बन रहा है यहाँ पे। तो दादाजी पंडित है ना, इसलिए दादाजी बना रहे हैं भात दाल। दादा बोला दादा ने बुला दिया था ना, तो मैं दादा और की वीडियो बनाने लग गई थी। हम जा रहे हैं आड़ू खाने के लिए नीचे, तो वहाँ पे अच्छा पेड़ है। कब से सोची थी खाने के लिए, टाइम ही नहीं लग पाया। लहसुन खेलने चले जाते थे कभी कुछ, और धूप में जा जाके ना भयंकर काले भी हो गए। बॉडी हो गया काम धाम, अच्छा नाना धोना हो गया। तो यहाँ पे सीमा भी कपड़े धो रही है, और सीमा और की पार्टी है आज। और सीमा क्या हाल चाल थी? तो सीमा भी लगी हुई है कपड़े धोने के लिए। बहुत बुरे हाल है। और भाई क्या क्या हाल है? दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ क्या नाम? क्या मेरा नाम अमन है, वैसे काम अच्छा। नाम से फेमस है। चाची नमस्ते। नमस्ते, क्या बोले तू? तुमको बोलो जो बेटा नमस्ते। मैं यहाँ घूमने आ रही हूँ, मेरा क्या काम होगा यहाँ घूमने के अलावा? है सब काम क्या करनी चाहिए तब बोलने आ था बुनी जाए की घूमना है घुमा रखे हैं बस बॉडी सब काम कर रहे थे दी से आता दी ब्लॉग हम बनी नहीं सिर्फ घूमना है। तो भैया घूमने का ही काम है हमारा, और क्या काम है। तो चलो आ जाओ आड़ू खाने के लिए। आप तोड़ के रखो। हां ना खा लो, तिल्ली तो तोड़ नहीं। मेरे थोड़ा घुटने में दर्द हो रहा है, बुड्ढा हो गया मैं। बुड्ढा हो गया मैं ना, आज के बुड्ढा हो रहा है। तो यहाँ तो इनकी आज धूमधाम चल रही है कपड़े धोने की। गांव में काम करना पड़ रहा है तब लग रही है। हाँ सही बात। सारा ऐसे जोल तो सही। तो यहाँ पे हम आड़ू खाने जाते हैं, कमी रखे इसमें आड़ू भी। यहाँ पे भी भाभी लगी हुई है कपड़े धोने में। आज सबों की धूमधाम हो रही है कपड़े धोने में आज, क्योंकि गांव में खाना खाना है ना, तो कपड़े धोने सब सफाई करने में लगे सब। पे पेड़ है आड़ू का, तो हम यहाँ पे से आड़ू लेके आएंगे। इसमें कमी रह गए, खाली हो गया था पेड़। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाले भोटे में कितने पीले आड़ू और के, और काफ़ी अच्छे हो रहे। गुल्लू कह रहा मैं नहीं आ रहा, ताऊ ने नाना ने हल्ला करा था, तो चल मैंने कहा मैं बोलती हूँ, तो मैं आ गई। गुल्लू नहीं आया। 10 सालों के बाद मैं अब खाऊंगी ये आड़ू। तो चलिए पहले तोड़ लेते हैं पेड़ में चढ़ के, आफत भी आने वाली है चढ़ने में। भाई इसमें चढ़ेंगे कैसे? इसमें तो इस पेड़ में ना हल्के से कांटे चुभते हैं मुझे, पर चढ़ने में तो आफत आने वाली है इस पेड़ में। काफ़ी सुंदर आड़ू है। फ़ोन तो मैं नीचे रख के आ गई दोनों। तो चलिए फटाफट आड़ू टीप लेते हैं। तो भाई आज तो मज़ा आने वाली है। पर ये पके इतने अच्छे नहीं है, ये हल्के से कच्चे लग रहे हैं। ये आड़ू ना शहरों में बहुत महंगे आते हैं, और यहाँ लोग इज्जत ही नहीं करते इन आड़ू की। तो भाई मैं तो बहुत सालों के बाद खा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं तो ये तो हाथ लगा के नीचे गिर जाते हैं। अरे कितने मेरे को डर भी लग गया, फटाफट तोड़ दी मैं। पहले ना हम दिन का खाना खा के सब सो जाते थे ना, तो हम आड़ू खाने के लिए बैठे रहते थे कि हम सोचते थे कब सब सो जाएंगे फिर हम आड़ू खाने जाएंगे। तो मैंने इतने आड़ू टीप लिए अभी, तो फटाफट उधर से भी टीप लेते हैं। ये ना ज़्यादा पके नहीं है, पके रहते हैं ना तो टुकड़े से हो जाते हैं बीच में से। काफ़ी आड़ू तो चिड़ियों ने भी खा रखे हैं यहाँ पे। फिर ना एकदम ना खेत के ना नीचे की साइड है, और ये नीचे को लटका हुआ है, नीचे देख के ना डर लग रही है। और ये आड़ू के पेड़ ना कच्चे भी होते हैं, हिंदी में इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हम इन्हें आड़ू बोलते हैं। चलिए हम इन्हें खाएंगे नमक में डाल के, तब तो मुझे आफत आने वाली है नीचे आने में। पेड़ में चढ़ने के लिए तो मैं चढ़ जाती हूँ, पर नीचे आने में आफत आ जाती है। आज मैं खेत में नहीं गई, आज आड़ू खाने में लग गई। मम्मी गई है दोबारा मर्च गोड़ने के लिए, मम्मी की काफ़ी मर्च रह गई थी ना गोड़ने के लिए। और इस पेड़ में ना आड़ू अच्छे आ रखे हैं। अच्छा ये बस गाले आड़ू बोलते हैं इसको, चूहा आड़ू बोलते हैं। तो ये चौमास के टाइम पे होते हैं। आड़ू लेके आई चूहे, तो सारे बांट दिए मैंने यहाँ पे, यहीं पे शुरू हो गए खाने में। बॉडी कह रही मुझे पहले दे खाने के लिए, ले बॉडी आज खाना। मम्मी खेत से आ गई लहसुन निकाल के, और यहाँ पे ये कहाँ जा रहे तुम दोनों के दोनों? आ जाओ खाना खाने के लिए, आ गुल्लू। इससे काफ़ी टाइम लग रहा है, पता है चिड़ियों ने काफ़ी खा दिया, थोड़े से बांटते बांटते ना थोड़े से रह गई है।
आधे इधर इसमें रखे हुए और आधे ये कचमोली बनाने वाले आज हम इसकी। और डिब्बा ही दिया सर, हैलून सफ़ेद भी नहीं, सफ़ेद ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कचमोली तैयार, इसमें हम नमक मिर्च मिलाते हैं, इसमें हमने चीनी और नमक भी डाल दिया। चलिए खाने के लिए तैयार हो गई है। लो दादी सबसे पहले, दादी पहले से मिलाओ तो सही। जर जर ही लो, ये आ जाओ खाने के लिए सारे के सारे। चलिए हम खाते हैं अभी आड़ू। अच्छा हो रहा है, बढ़िया, मज़ा नहीं आ रहा यार। कम हो गया ना, सीमा आ जाइए, ख़त्म कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे पता नहीं क्यों वीडियो में ना आवाज़ ही नहीं आ रही, तो मैंने म्यूट करके बोलना पड़ रहा है मुझे। मम्मी खेत से आ गई लहसुन निकाल के। और यहाँ पे ये कहाँ जा रहे तुम दोनों के दोनों, आ जाओ खाना खाने के लिए आगे। और यहाँ पे सब बैठ गए खाने के लिए। और यहाँ पे गांव वाले ही बांट रहे हैं। और दादा यहाँ पे से चूल्हे के सामने से दादा ले रहे हैं खाना। तो दादा जी ना पंडित है, बारिश आएगी ना इसके लिए टेंट लगाते हैं यहाँ पे। आज ब्लॉगिंग कर रहा है बोली। शायद आज तो मेरी बहुत वीडियो चलेगी है ना, और मेरी वीडियो ज़्यादा हिल जाती है। मैं बोला से अभी ना वीडियो बनाना सीख रही थी, बोला ने मुझे बताया कि आराम से बनानी चाहिए वीडियो। और यहाँ पे भाभी भी आ गई, बहु नमस्ते। तो भाभी भी परसों आ गई, आज दिखाई दे रही है भाभी मुझे। और यहाँ पे बॉडी भी दाल चावल खा रही है। और बॉडी क्या क्या बना रखा है, कैसा बनाया, अच्छा बनाया? तो यहाँ पे गांव वालों ने ही खाना बनाया है, तो बहुत अच्छा बना रखा भाई। सब बैठे हुए खाने के लिए, अब हम भी बैठते हैं खाने के लिए। टेस्टी लग रहा है। तो पायल भी बैठ गई आज, पायल कैसा है? तो यहाँ पे मेरे लिए भी खाना रख दिया इन्होंने, गरम गरम दाल और चावल। तो यहाँ पे इन्होंने आलू बड़ी सब्जी बना रखी है। चलिए यहाँ पे हमने खाना खा लिया। और यहाँ पे इनकी शादी और की थी ना, तो इन्होंने पार्टी। तुम्हारी शादी को कितने महीने हुए भाई? अच्छा 7-8 महीने हुए। तो इनकी शादी की पार्टी थी, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। दादी और दीदी बैठ गए, पर दीदी शकल तो दिखाई नहीं दे रही शकल। हाँ, और दीदी और दादी बैठे हुए यहाँ पे खाने के लिए। चलो भागवत देखने चलोगे ना, भागवत देखने चलोगे ना, साथ में चलना है ना। चलो दगड़ चले दगड़ी। तो चलिए हम चलते हैं अभी घर के लिए, खाना वाना खा लिया। और बहुत भयंकर धूप लग रही है, और कितनी काली होगी, मम्मी कह रही बहुत काली होगी। तो आज गांव में यहाँ पे पार्टी थी, तो सबों ने खाना खा लिया। और इस पेड़ में बहुत सारे आड़ू आ रखे, चूहे आड़ू। तो टाइम मिलेगा तो कल खाएंगे। जैसे लोग आधे से ज़्यादा लोग चले गए भागवत में, और हम भी तैयार होके हम भी रास्ता लग गए भागवत के लिए। तो मैं और लाडू जा रहे हैं, और भागवत सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, भगवान का नाम। पहुँच ही जाते हैं जोगीमढ़ी में रोज़ भागवत सुनने के लिए। आज ये यहाँ पे भाग भाग के आ गए, हमारे नहीं रुके। तभी मैं कह रही आज ये भाग के क्यों गए। तो यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और आप लोकेशन भी देख सकते हो कितना सुंदर लोकेशन है। और यहाँ पे ना भाभी और ने डिब्बे रखे हुए हैं, और भाभी और रहते हैं डांडा, वहाँ ना आता नहीं है पानी। तो ये यहाँ गाँव में भी आ जाते हैं, पानी भी लेके जाते हैं। और जोगीमढ़ी वाले भी कई बार पानी लेने आते हैं यहाँ। और अब गाँव तक ही रोड आ गई, तो गाँव के अंदर तक ही लोग गाड़ी खड़ी कर लेते के लिए का जब महाराज दशरथ युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके जो रथ का पहिया होता है ना, उसकी धुरी जो कोई लकड़ी लगी होती है, कोई कील लगी होती है, वो निकल गई। महाराज का रथ का जो पहिया था वो निकलने वाला था। इधर सैनिक महाराज दशरथ ने सुना तो भूमि पर गिर पड़े, मुकुट एक तरफ जाकर गिरा, उत्तरी एक तरफ जाकर गिरा, मानो इनके प्राण जो है कंठ में आ गए। अरे अरे के गई, ये तो क्या कह रही है, ये तो क्या कह रही है। इस तरह से पेड़ से पत्ता गिरकर पृथ्वी पर गिरता है, इसी तरह से महाराज दशरथ भी गिर पड़े। और ऐसा उनका रंग हो गया चेहरे का, जिस तरह से पत्ता सूखता है। राधा राधे कृष्ण।
बन कर सगेरी पावन वृंदावन सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सूरज नाचे नाचे तारक सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारक अरे मन मेरो ओहा मन मेरो आहा मन मेरो बन गए सगेरी पावन वृंदावन आरती भी होगी तो चलिए यहाँ पे नीचे भंडार हो रहा है तो हम भी जाते हैं प्रसाद लेते हैं। मुझे इंदू दीदी दिखी हमसे एक क्लास आ गई थी और मेरी फ्रेंड शांति हेलो मैडम हेलो दीदी दीदी कभी दीदी नहीं बोला दीदी बोल रहे आज दीदी बोला जा रहा है दीदी बोल रही है तो चलिए भाई बहुत सालों के बाद दिखाई दिए तुम तो भाई स्कूल से होने के बाद क्या बोलते 12वीं पास करने के बाद तो नहीं दिखाई दिए 15 साल यार 15-16 साल होगी मैं भी स्कूल में ही थी तब मेरी शादी हो गई थी बहुत अच्छा लगा इन सबों से मिलके क्योंकि मेरी मार्केट में आ रही थी और यहाँ पे भी बहुत चहल पहल है आजकल और अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लिया चलते हैं अभी घर के लिए और यहाँ पे से सूर्य अस्त कितना सुंदर हो रहा है और यहाँ की पहाड़ियों के नज़ारे कितने सुंदर है तो जोगीमढ़ी से चारों दिशाओं में बहुत अच्छा नज़ारे दिखाई देते हैं तो जोगीमढ़ी में भी काफी चहल पहल है तो अभी हम चल रहे हैं घर के लिए यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया और टाइम पीना 11 बज गए लिमका गिरा दिया और हम पी रहे अभी लिमका चाचा लेके आए चाचा भी अभी आए तो हम पी रहे लिमका और चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक ले जय हिंद जय भारत जय देवभूमि।